अगला हमारा आर्टिकल रहेगा हाउ टू डिसाइड डिग्री ऑफ कार्बन, समझना हाउ टू डिसाइड डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग, लेकिन सबसे पहले नंबर वन ए हाउ टू डिसाइड डिग्री ऑफ कार्बन, समझना बात को हाउ टू डिसाइड डिग्री ऑफ कार्बन। तो हमारे लिए होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन। यदि कोई कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो तो उसे 1 डिग्री। आप जानते हो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। इफ कार्बन क्या कार्बन नहीं लिख सकते हो, कार्बन अटैच डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन, वन डिग्री कार्बन है। इफ कार्बन डायरेक्टली अटैच टू टू कार्बन 2 डिग्री कार्बन, इफ कार्बन डायरेक्टली अटैच टू 3 कार्बन 3 डिग्री कार्बन, 4 कार्बन 4 डिग्री कार्बन। लेकिन अगर कोई कार्बन ऐसा है जो किसी कार्बन से अटैच्ड ही नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम यहाँ पर सुपर 1 डिग्री या 1 डिग्री में ही कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो अगर हमें बात किया जाए सुपर 1 डिग्री, हम एक अलग से बना रहे, क्या डेफिनेशन बनेगी, इफ कार्बन नॉट अटैच्ड डायरेक्टली अटैच्ड नॉट डायरेक्टली अटैच्ड एनी कार्बन, तो हमारे लिए सुपर वन, जैसे CH4। अभी CH4 में एक ही कार्बन है बेचारा, किससे अटैच होगा, किसी से नहीं होगा, तो ये हमारे पास हो गया। तो हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड एग्जांपल, ये मेरे पास एक है मैसी टाइलीन, इसका कॉमन नेम है मैसी टाइलीन। बता सकते हो इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3। 2 डिग्री, देखो कैसे पता लगाया, ध्यान से देखना, ये वाला कार्बन क्या है 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री, 3 डिग्री वाले कितने हैं 3, 2 डिग्री वाले कितने हैं, ये 2 डिग्री वाला है 2, 2 डिग्री वाला 2 और ये 2 डिग्री वाला 2, और 1 डिग्री वाला कौन है, ये 1 डिग्री। तो बताओ इस स्ट्रक्चर में क्या आपने अलग स्पेशलिटी देखी है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन की क्वांटिटी क्या है सेम, 4 डिग्री कार्बन है इसमें नहीं, खत्म, ये इसकी स्पेशलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आपसे कुछ और एग्जांपल लिया जाए, ये तो एक एग्जांपल हुआ, एक और एग्जांपल, तो बताओ इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं और 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, करके बताओ जल्दी। 1 डिग्री कार्बन कितने दिख रहे हैं, 1 डिग्री कार्बन दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, आपको भी यही दिख रहे हैं। 2 डिग्री कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको, 2 डिग्री कार्बन अगर मैं पकड़ता हूं तो एक नहीं है, अच्छा ये कौन सा है, 1 डिग्री या 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो 1 2 3 4 5 और एक और 6, ये 6 हो जाएंगे 1 डिग्री वाले, नाइट्रोजन से अटैच होना उसकी डिग्री नहीं बढ़ाएगा। 2 डिग्री वाले कितने, 2 डिग्री वाला आपको कहां दिख रहा है, क्या ये 2 डिग्री दिख रहा है आपको, नहीं 3 डिग्री, क्या ये कितना दिख रहा है 4 डिग्री, ये मुझे तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें दिखाई दे रहा है कौन सा बेटा, इनके लेफ्ट वाला, ये एक और एक ये 2, सही है,
फिर पहले क्यों नहीं दिखाई दे रहा था हमें? देखो ये कार्बन अगर देखते हैं तो एक तो यहां और एक यहां, तो कितने 2 डिग्री वाले? एक। 3 डिग्री वाले कितने हैं? श्योर 3 डिग्री वाला कौन है? एक और एक दो। 4 डिग्री कार्बन कितने हैं इसमें? एक। खत्म। आ गई बात समझ में? क्या ये सही है? अभी पक्का करो। हमने डिग्री ऑफ कार्बन देखा, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे देखना है हमें? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन ये भी हमारे पास इस तरह से क्लासिफाइड हो सकता है, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन। इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है? हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। तो पहले 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है? 1 डिग्री हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की डिग्री कैसे पताई जाती है? मैं पहले ही बता दूं, जैसे नहीं बोलते यार कि ये तो बहुत, ये जो लड़का है, बच्चा है, बेटा है, जो भी है, ये तो बहुत अमीर है। तो क्या वो उसके पास, वो क्यों अमीर है? कोई पैदा होते ही अमीर कैसे हो जाता है? क्योंकि उसके पिताजी अमीर है, सिंपल सा है। तो हाइड्रोजन के लिए उसकी डिग्री उससे नहीं पता चलती, उसके पिताजी, जो कि कौन है, पिताजी बोल दो या माताजी बोल दो, कौन है? कार्बन। तो कार्बन की डिग्री से बताया जाता है। तो हाइड्रोजन विच डायरेक्टली अटैच, विच डायरेक्टली अटैच टू 1 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड 1 डिग्री हाइड्रोजन। आ रही है बात समझ में? हाइड्रोजन विच डायरेक्टली अटैच टू 2 डिग्री कार्बन, हाइड्रोजन विच डायरेक्टली अटैच टू 3 डिग्री कार्बन। तो ऐसे तो 4 डिग्री भी होना चाहिए, लेकिन एक बात बताएं, जब 4 डिग्री कार्बन होगा तो उसकी तो चारों वैलेंसी कार्बन से अटैच होगी, तो हाइड्रोजन के लायक कोई बचेगी क्या? नहीं। तो इसका मतलब 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। तो एक एग्जाम्पल तो बनता है इस पे, मैं अपना पुराना वाला ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैसेटिलीन, मुझे बहुत पसंद है ये एग्जाम्पल। ठीक है, बताओ इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन है ही यही, तो 3 3 6 3 9, 9 होंगे। 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन यही है, कितने होंगे? इसकी एक ही वैलेंसी, 1 2 3। और 3 डिग्री हाइड्रोजन, श्योर इस एग्जाम्पल में कहीं कोई गलती नहीं है? एक और एग्जाम्पल, फ्यूरेन, इसको क्या बोलते हैं? फ्यूरेन। मैं एक्चुअल में कॉमन नेम लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कॉमन नेम साइड बाय साइड याद हो जाए, अब यही काम करूंगा मैं, ठीक है ना? फ्यूरेन। और अगर इसमें 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए जाए इसके अंदर, 1 2 3 4, तो ये कंपाउंड बन जाएगा, इसको बोलेंगे टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन। कोई दिक्कत नहीं है? तो बताओ इसके अंदर 1 डिग्री का हाइड्रोजन कितने हैं और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 3 डिग्री तो कार्बन ही नहीं है, तो भूल जाओ, 1 डिग्री भी कार्बन दिख रहा है क्या आपको? है, एक है ये, एक है, तो कितनी हो जाएंगे श्योर? तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो मेरे लिए तो ये भी आंसर 2 ही जा रहा है। यहां पर 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन, यहां पर 1 डिग्री, 4 4, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन में 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, दोनों 4 4 है। तो मित्रों वापिस उस पॉइंट पे आते हैं जिसमें मैंने आपको बताया 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है। तो चलिए इसको देखते हैं इसी का एग्जाम्पल में, कि कौन सा, कितने डिग्री कार्बन हमारे पास 1 डिग्री वाले होंगे और कितने 2 डिग्री वाले। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, क्या ये 1 डिग्री है? हाँ, यस। क्या इसके अलावा कोई आपको 1 डिग्री कार्बन दिख रहा है? नहीं। तो 1 डिग्री कार्बन इसमें आपको कितने दिख रहे हैं? एक।
टू डिग्री वाले कितने दिख रहे हैं, एक दो तीन चार पांच, यानी कि यहां पर ये पांच कार्बन ऐसे हैं जो टू डिग्री वाले हैं, ये कार्बन टू डिग्री वाला नहीं है, कितना है थ्री डिग्री, तो थ्री डिग्री वाले कार्बन कितने हैं एक। फोर डिग्री वाला कार्बन मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है जो चार अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये तीन से जुड़ा हुआ है, और टोटल कितने कार्बन है छह और एक सात, पांच छह और एक सात, बिल्कुल सही है, यानी हमारे टोटल कार्बन बराबर भी आ रहे हैं। अब वन डिग्री हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वन डिग्री, तो यहां पर वन डिग्री कार्बन एक ही है, तो इसका मतलब वन डिग्री हाइड्रोजन यहां पर कितने हो रहे हैं हमारे पास तीन। कैसे पता लगा, क्योंकि जो कार्बन वन डिग्री हो से तीन हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो हमारे पास वन डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे तीन, बाकी के हर टू डिग्री वाले कितने से जुड़े होंगे दो दो से, तो दो दो चार और दो छः, यानी हमारे पास पाँच दो दस, दस टू डिग्री कार्बन होंगे, और थ्री डिग्री टू डिग्री वाले कार्बन हमारे पास है पांच, तो हाइड्रोजन होंगे दस, और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन वो भी थ्री डिग्री वाले, थ्री डिग्री वाला कार्बन एक है, यानी कि हाइड्रोजन भी क्या होगा एक, लिखिए, यानी 151 03 और 10 और 1 हमारा इसका आंसर होगा। आगे इस एग्जाम्पल के अंदर आपको वन डिग्री कार्बन कितने दिख रहे हैं, ये वन डिग्री है, ये वन डिग्री है, ये वन डिग्री है, यानी एक दो तीन चार, चार कार्बन वन डिग्री वाले हैं, ये कितना डिग्री है टू डिग्री वाला, यानी एक ही कार्बन टू डिग्री का है, थ्री डिग्री वाला यहां पर एक भी नहीं है, और फोर डिग्री वाले हमारे पास कितने यहां पर एक। वन डिग्री हाइड्रोजन तीन तीन छः तीन नौ दस ग्यारह बारह, यानी हमारे लिए बारह हाइड्रोजन यहां पर कितने होंगे वन डिग्री वाले हाइड्रोजन होंगे, और टू डिग्री वाला क्योंकि कार्बन एक ही है तो यहां पर दो हमारे पास होंगे, और फोर डिग्री वाला तो हाइड्रोजन होता ही नहीं है, थ्री डिग्री वाला यहां पर है ही नहीं, तो हमारे पास आंसर ये भी क्या होगा जीरो। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। अब आगे बात करते हैं हम इसके अंदर कितने डिग्री वाले वन डिग्री है, तो मुझे सिर्फ दो कार्बन दिख रहे हैं, एक तो ये और एक ही है, तो आंसर कितना होगा ये टू। टू डिग्री वाले कितने दिख रहे हैं मुझे, एक दो तीन चार। थ्री डिग्री वाले कितने दिख रहे हैं मुझे यहां पर, एक और दो। फोर डिग्री वाले जीरो। थ्री डिग्री वन डिग्री हाइड्रोजन जो यहां से जुड़ेगा तीन तीन छः। टू डिग्री हाइड्रोजन दो दो चार दो छः दो आठ। थ्री डिग्री एक और एक दो। इस एग्जाम्पल को बोलते हैं मैसी टाइलिन, क्या बताता है इसके अंदर, वन डिग्री वाले कितने एक दो तीन, दो डिग्री वाले एक दो तीन, तीन डिग्री वाले एक दो तीन। इसकी खास बात है कि इसमें वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री बराबर है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग इक्वल नंबर ऑफ वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री कार्बन, तो उसका आंसर होगा मैसी टाइलिन। अब बात आती है फोर डिग्री जीरो, हाइड्रोजन वन डिग्री वाले तीन तीन छः तीन नौ, हाइड्रोजन टू डिग्री वाले यहां पर, जनरली टू डिग्री कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं दो, लेकिन वो तब जब एल्केन है, अब क्या है यहां पर एल्कीन, अगर एल्कीन है तो अब यहां पर एक ही जुड़ेगा, यानी एक दो तीन, और थ्री डिग्री हाइड्रोजन यहां पर कितना होगा जीरो, तो ये हमारे पास आएगा 333 0930। इस तरफ देखिए वन डिग्री कार्बन, इसमें वन डिग्री कार्बन कितने जीरो, टू डिग्री कार्बन, टू डिग्री कार्बन मेरे पास है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ एट। अब बात आती है फोर डिग्री कार्बन, फोर डिग्री कार्बन मेरे पास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि जीरो, लेकिन थ्री डिग्री कार्बन मुझे दिखाई दे रहा है एक और एक, यानी दो। अब आता है वन डिग्री हाइड्रोजन, वन डिग्री हाइड्रोजन, वन डिग्री कार्बन ही नहीं है तो कितना होगा जीरो। टू डिग्री हाइड्रोजन, बिल्कुल ये टू डिग्री है, दो दो चार दो छः दो आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, यानी कि हमारे पास 16 टू डिग्री हाइड्रोजन होंगे। और थ्री डिग्री हाइड्रोजन मुझे दो थ्री डिग्री के दिख रहा है, यानी वन एंड वन टू, लिखिए इसको जल्दी।